हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग देखे थे वैक्सीन्स के बारे में, ठीक है, जो कि हम लोग को कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, जो कि हम लोग कुछ वैक्सीन देखे थे। मेडिकल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हम लोग स्टडी किया था। तो उसमें हम लोग देखे थे, पढ़े थे वैक्सीन्स के बारे में, यानी कि अनदर वे ऑफ द प्रिवेंट डिजीजेस इज़ द इम्यूनाइजेशंस, ठीक है, एंड इम्यूनाइजेशन सिस्टम इज़ द डन बाई द वैक्सीन्स, ठीक है। तो हम लोग वैक्सीन्स के बारे में कल पढ़ा था, तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ डज ए वैक्सीन वर्क, ठीक है, वैक्सीन किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए हमको उस स्टेप को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं, डू यू नो में देख लेते हैं, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ द इंजेक्टिंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए वीकेंड और द काइल डिजीज कॉजिंग माइक्रोव इन टू ए एनिमल ह्यूमन बॉडी टू इम्यूनाइज इट्स अगेंस्ट द डिजीजेज इज द कॉल्ड वैक्सीनेशंस, ठीक है। दैट मीन्स यानी दी प्रैक्टिस, यानी वो ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें क्या होता है कि एक छोटा सा, ठीक है, स्मॉल यानी कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द बिकेंड ऑफ द काइल डिजीजेज कॉजिंग, यानी जिसके कारण जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग को बीमारियाँ उत्पन्न हुई है उसी का या तो बिकेंड रूप यानी कमजोर या तो फिर उसी का मरा हुआ यानी डेड रूप का, ठीक है, क्वांटिटी का जो हम लोग अपने बॉडी में क्या करते हैं एंटीबॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि वो उससे क्या हो हमारे शरीर का जो इम्यूनी सिस्टम है यानी, ठीक है, इम्यूनाइज सिस्टम है जो कि उसको क्या करे उसके अगेंस्ट लड़ सके उसी को हम लोग वैक्सीनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवर्ड जेनर डिस्कवर द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर जो था स्मॉल पॉक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो वैक्सीन को डिस्कवर किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे द वैक्सीन इज द इंजेक्ट इन टू द बॉडी ऑफ ए पर्सन एनिमल बिफोर द अक्रेंस ऑफ द डिजीजेस। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि हम लोग वैक्सीन हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट करते हैं ताकि वो उस रोग से उस डिजीज से उस क्या हो सुरक्षा पा सके। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीजेस लाइक चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स रेबीज पोलियो डिप्थेरिया एंड द हेपेटाइटिस इज द प्रोवाइडेड थ्रू द वैक्सीनेशन। ये सारे के सारे डिजीज को अगर हम लोग प्रोटेक्शन अगर लेना चाहते हैं तो ये सारे डिजीज का प्रोटेक्शन हम लोग को क्या मिलता है किसके अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को इसके मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ डज ए वैक्सीन वर्क। व्हेन ए डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडीज द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वाडर। दैट मीन्स अगर कोई हम लोग के बॉडीज के अंदर क्या होता है कि डिजीज़ काउजिंग माइक्रोब्स जो इंटर कर रहते हैं तो हम लोग के अंदर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है और वो क्या करता है उससे इस हम लोग के बॉडी के अंदर ही फाइट करता है लड़ता है। एंड दिस एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय एंड द बिकेंड माइक्रोब्स एंड द रिमेन इन द ब्लड टू द फाइट फर्दर अटैक्ट बाय सच डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। अब होता क्या है कि उसके फाइट के अकॉर्डिंग वो क्या होता है कुछ हम लोग का एंटीबॉडीज जो था डिस्ट्रॉय हो जाता है और कमज़ोर पड़ जाता है उस माइक्रोब्स के कारण। और वो होता क्या है कि वो कुछ बच जाता है शेष हम लोग के ब्लड और में रह जाता है तो फिर से वो पुनः अटैक कर देता है, यानी कि बार बार वो अटैक करते रहता है हम लोग के बॉडी के अंदर और उससे हम लोग क्या होते हैं बीमार पड़ जाते हैं। चिल्ड्रंस आर द मोर सेंसिटिव। बच्चे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी सच हार्मफुल माइक्रोब्स अप्रोप्रिएट वैक्सीन मस्ट बी गिवन एट द सुटेबल एज। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बच्चे पैदा लेते हैं तो उससे लेकर के 5 से 6 वर्ष तक क्या होते हैं उनको बार बार वैक्सीनेशन की क्रिया करवाई जाती है, कभी DPT BCG कभी DPT इस तरीके से, कभी स्मॉल पॉक्स का कभी टाइफाइड का, ये सारे हम लोग उसको है ना वैक्सीन देते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सच वैक्सीन आर द इजली अवेलेबल इन द हॉस्पिटल एंड द हेल्थ सेंटर। और वो ऐसा वैक्सीन जो क्या हम लोग को हेल्थ सेंटर पे या हॉस्पिटल में क्या होता है आसानी से उपलब्ध होता है। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द रिकमेंडेड शेड्यूल ऑफ द इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे का जो हम लोग का इम्यूनाइजेशन सिस्टम को इंक्रीज करना है तो हम लोग को किस एज में क्या देना चाहिए, ठीक है, एज आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक तरफ है वैक्सीन सून आफ्टर बर्थ यानी जन्म के जस्ट बाद हम लोग स्मॉल पॉक्स और BCG का टीका लगा देते हैं। इसके बाद 4 से जब 9 महीने का एक बच्चा हो जाता है तो उसको हम लोग DPT यानी ट्रिपल वैक्सीन, ठीक है, एंड 2 डोज एट द इंटरवल ऑफ 8 to 12 वीक्स यानी हम लोग 8 से 12 वीक्स यानी सप्ताह के इंटरवल में हम लोग 2 डोज को क्या करते हैं उसको DPT दे देते हैं। उसके बाद पोलियो यानी जो ओरल हम लोग क्या है यानी कि बूंद बाई बूंद जो घर में आते हैं देने के लिए, ठीक है, यानी 3 ड्रॉप्स एट द इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स के अकॉर्डिंग में हम लोग उसको दे देते हैं। इसके बाद जब वो बच्चा 1 साल का हो जाता है तो हम लोग फिर क्या देते हैं स्मॉल पॉक्स यानी रीवैक्सीनेशन करवा देते हैं स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। उसके बाद जैसा ही वो 1.5 से 2 साल के बीच में आता है तो उसको फिर हम लोग देते हैं DPT एंड द पोलियो जो कि दोनों बूस्टर डोज है। इसके बाद है 3 to 4 ईयर के
एज में आता है, तो फिर हम क्या देते हैं, स्मॉल पॉक्स आने की रीवैक्सीनेशंस कर फिर से उसको करवा देते हैं। और जब 5 से 6 ईयर के बीच में जो रहता है तो फिर से हम लोग DPT यानी बूस्टर डोज दे देते हैं और टाइफाइड वैक्सीन दे देते हैं 2 डोज एट द इंटरवल ऑफ 1 to 2 month के इंटरवल में हम लोग 2 डोज उसको कंप्लीट करवा देते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उसका ध्यान रखना उनके गार्जियंस का कर्तव्य होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ जो है कि सॉयल फर्टिलिटी में किस तरीके से वो इंक्रीज करते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एज अ नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉयल। जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड हम लोग के सॉयल में प्रेजेंट होता है उससे क्या होता है, नाइट्रोजन को हम लोग को एटमोसफेयर में वो फिक्स करता है। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिविंग इन द मॉस रूट नूडल्स ऑफ द लिग्नियस प्लांट ऑब्जर्व एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इन टू द नाइट्रोजियस कंपाउंड्स। सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होता है जो मतलब लिग्नियस प्लांट्स के रूट में न्यूड्यूल में रहता है, ठीक है, गांठ में जो होता है, न्यूडल्स का मतलब गांठ होता है, ठीक है, एंड द प्लांट ऑब्जर्व एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, और वो एटमोस्फेरिक से क्या करता है, वो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके नाइट्रोजियस कंपाउंड में उसको क्या देता है, प्लांट को दे देता है। एज ए रिजल्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिच द सॉयल विथ नाइट्रोजन एंड द इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। एंड वो क्या होता है कि वो इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हम लोग को सॉयल फर्टिलिटी में इंक्रीज करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन को बढ़ावा कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे डू यू नो में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर द कॉमनली कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। और इसे हम लोग कॉमनली क्या देते हैं, सामान्य रूप से कह देते हैं कि ये क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, यानी वो स्थिरक है ना, स्थिर करने वाला है, यानी फिक्सेसर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्लींजिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यानी मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेस द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल्स इन टू सिंपलर एंड द हार्मलेस सब्सटेंसेस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि क्या करता है, डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को और प्लांट को वो और एनिमल को छोटे छोटे और हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वो हानिकारक नहीं, यानी कि हानिकारक वाले सब्सटेंस से अलग हो जाते हैं और वो कुछ जो हम लोग को यूज लाइक, हम लोग के यूज लाइक नहीं, यानी कि सॉइल के यूज लाइक के लिए जो बच जाता है वो उसमें अलग कर देता है। ठीक है, सच सिंपलर सब्सटेंस गेट इन टू द सॉइल एंड द यूज बाई द अदर प्लांट। और वही जो सब्सटेंसेस जो होता है जो फिर क्या चला जाता है, सॉइल में चला जाता है और उसी को फिर हम लोग का जो प्लांट नया वाले प्लांट है वो फिर से यूज कर लेता है। थस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट द क्लीजनिंग एजेंट ऑफ द नेचर। ठीक है, और यहाँ से इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, क्लीजनिंग एजेंट ऑफ हम लोग का नेचर, यानी प्रकृति का एक सफाई कर्मी भी कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, एनएरोबिक बैक्टीरिया डिग्रेड द एनिमल डन इन टू द बायोगैस एंड द लेफ्ट ओवर सेलरी कैन बी यूज ए मैनर। और हम लोग का एनारिक जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एनिमल डंग को डिग्रेड कर देता है, कन्वर्ट कर देता है वो बायोगैस एंड द लेफ्ट ओवर द सेलरी, और जो सेलरी बचता है, ठीक है, सेलरी का मतलब वहाँ पे शेष जो अवशेष बच जाता है बायोगैस के बनाने के बाद, वो हम लोग उसका मैन्यूअर में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सो नायूनो में देखेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दिज आर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग के सामने ओनली फॉर 2 तरीके का यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फ्रेंडली है और हार्मफुल है, यानी कि मित्र की तरह व्यवहार करता है और दूसरा शत्रु की तरह व्यवहार करता है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द यूजफुल टू अस इन द प्रिपरेशन ऑफ द कर्ड ब्रेड एंड द केक। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ हम लोग को हेल्प करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ द कर्ड ब्रेड केक एंड ETC। सेकेंड है प्रोडक्शंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, और थर्ड है क्लिनजिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। और फील्ड में क्या होता है कि हम लोग का सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी हम लोग को हेल्प करता है। इस तरीके से फिर हम लोग आगे देखेंगे द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क। और जो यहाँ पे बैक्टीरिया बैक्टोसिलस है
लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है, मिल्क को प्रमोट करता है दही बनाने में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दी बैक्टीरियम रेनिन इज यूज टू द चीज़ प्रोडक्शन, और जो यहाँ पे बैक्टीरिया रेनिन है वो क्या करता है चीज़ आने की पनीर प्रोडक्शंस में हेल्प करता है हम लोग को, ठीक है। ईस्ट इज़ द बेनिफिशियल फंगस, ईस्ट क्या है, एक बेनिफिशियल फंगस है, और वो इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बेकरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ब्रेड केक एंड द अदर फूड आइटम्स सच एज द इडली डोसा ढोकला। ईस्ट भी हम लोग के लिए क्या है, बेनिफिशियल एक लाभकारी फंगस है जो कि हम लोग को क्या करता है, प्रिपरेशन यानी बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने में हम लोग को मदद करता है, और अदर आइटम्स को फूड आइटम्स को बनाने में मदद करता है, जैसा कि इडली डोसा और ढोकला बनाने में हम लोग को यहाँ पे मदद करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, ठीक है, द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ए लार्ज ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स इंटू अ स्मॉलर वन इज द अब्सेंस ऑफ एयर इज द कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। किण्वन होता है, किण्वन का मतलब होता क्या है कि उसको बार बार एक बड़ा सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लार्जर अमाउंट वाले को उसको छोटे छोटे अमाउंट में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, किण्वन कहलाता है, यानी कि फर्मेंटेशन कहलाता है। अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर बाय द फर्मेंटेशन, अल्कोहल क्या होता है, शुगर के थ्रू किण्वन प्रक्रिया द्वारा यानी कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे द केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, यानी कुछ ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस करते हैं, किसी खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम लोग अपने बॉडीज को, ठीक है, क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और उसे हम लोग एंटीबायोटिक्स बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सम एंटीबायोटिक्स आर द पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इथ्रोमाइसिन एंड द ग्रामीसाइडिन। इसमें से कुछ दवाओं का नाम आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है, जो कि पेनिसिलिन बताया, स्ट्रेप्टोमाइसिन बताया, टेट्रासाइक्लिन बताया, इथ्रोमाइसिन बताया एंड द ग्रामीसाइड्स बताया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे द ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल, और वो यहाँ पे ग्रीन जो सवाल है क्या करता है कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स रखता है एज ए नाइट्रोजन कंपाउंड्स के रूप में, ठीक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन द रूट नूडल्स ऑफ द लिग्नियस प्लांट्स कैन फिक्स अप द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स विच एक्ट द न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स, और सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया है वो भी क्या करता है, लिग्नियस प्लांट में जो भी ये पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में हम लोग का यानी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके और क्या करते हैं, प्लांट को इनरिच मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व की उपलब्धि करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे हैं मेनी ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेस द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड द एनिमल्स इंटू सिंपलर एंड द हार्मलेस सब्सटेंसेस, सच सिंपलर सब्सटेंसेस गेट इंटू द सॉइल एंड आर प्रोड्यूस या आर यूज बाई द प्लांट्स, और फिर क्या होता है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म हम लोग के सामने क्या करता है कि डिकम्पोज कर देता है ऑर्गेनिक वेस्ट को प्लांट एंड द एनिमल वाले जो जितने भी वेस्ट हैं वो क्या करते हैं, सिंपलर एंड द हार्मलेस सब्सटेंस में वो कन्वर्ट कर देते हैं, और वही सिंपलर सब्सटेंसेस क्या है, मिट्टी में चला जाता है और फिर से वो किसी प्लांट के द्वारा यूज होता है। थस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लींस द एनवायरनमेंट, और इसी कारण क्या होता है, हम लोग का एनवायरनमेंट को क्या करता है, क्लीन अप कर देता है, ठीक है। और हम इसके आगे देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग देख लेंगे, यानी मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्या ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए क्या है, हार्मफुल है, हानिकारक है, सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और वो किस तरीके से लिए हम लोग के लिए हार्मफुल है। फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट देखना चाहेंगे तो कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, वो क्या है, बीमारी को उत्पन्न करते हैं ह्यूमन में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। और सेकेंड इसका है स्पॉइल फूड क्लोथिंग एंड द लेदर, और वो क्या है, फूड क्लोथिंग एंड लेदर को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डू यू नो में द ब्लू ग्रीन पैच विच डेवलप्स ऑन द सर्फेस ऑफ द रोटिंग ऑरेंज वाइटिस ग्रे ग्रोथ ऑन द स्टेल ब्लेड जैम ATC ग्रीन पैच ऑफ द क्लोथ्स लेदर सूज ETC ड्यूरिंग द रेनी सीजन आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंगाई। दैट मीन्स यहाँ पे बताना चाह रहा है जो ब्लू ग्रीन जो पैच होता है, धब्बा हो जाते हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं सर्फेस पे, या तो रोटिंग होने पे, रोटेनिंग ऑरेंज पे, या वाइटिस ग्रे जो होता है यानी बासी रोटी पे, जाम पे, ATC पे, वो क्या होते हैं, वाइट ग्रे का धब्बे आ जाता है, और ग्रीन पैच जो आता है क्लॉथ के ऊपर या लेदर के ऊपर, लेदर शूज के ऊपर, वो क्या होता है रेनी सीजन में। और जो अलग अलग जो यहाँ पे हम लोग के सामने जो फंगाई उत्पन्न होता है
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे कलर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द वायरसेस। अब हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे कि हम लोग के सामने जो डिजीजेज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस से क्या क्या उत्पन्न होती है, वो हम लोग चलिए वन बाई वन देख लेते हैं। ऑल एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स एट वन टाइम और द अदर सफर फ्रॉम द डिजीजेस। ठीक है, ऑल एनिमल एंड द ह्यूमन बींग्स, यानी कि जितने भी जानवर है और मानव समाज है, मानव जाति है, वो क्या है, कभी ना कभी एक टाइम वो क्या होता है, किसी न किसी बीमारी से वो जूझ ही रहा होता है। ठीक है, दीज डिजीजेस आर द कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर आवर बॉडी वेयर दे मल्टीप्लाई डैमेज द बॉडी सेल्स एंड द कॉज द डिजीजेस। और वो होता क्या है कि हम लोग के डिजीज के मेन कारण क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। अभी बताया कि सूक्ष्म जीव हम लोग के लिए एक फ्रेंड भी है और एक फो भी है, यानी कि मित्र भी है और शत्रु भी है। तो हम लोग के सामने अब वो फो की तरह यानी क्या है, शत्रु की तरह व्यवहार करेगा, बिहेव करेगा। यानी दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर आवर बॉडी, और वो क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीव हम लोग के बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं, और वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं। ठीक है, और वो हम लोग के बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके कारण वो क्या होता है, हम लोग को बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ए लिस्ट ऑफ द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द डिजीजेज कॉज्ड बाई देम इन द गिवन बिलो। और कुछ यहाँ पे डिजीजेज है वो किस कारण से यूज होता है, किस कारण से होता है और क्या क्या डिजीजेज होते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरफ है और दूसरी तरफ देखेंगे डिजीज कॉज्ड, इसके कारण कौन सा रोग उत्पन्न होते हैं, कौन सा बीमारियाँ उत्पन्न होती है। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले यहाँ पे रोग हैं, ध्यान देंगे, न्यूमोनिया, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, लिप्रोसी, कोलरा, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड एंड डिप्थीरिया। ये सारे के सारे बीमारी जो हैं बैक्टीरिया से होने वाले, ठीक है, बीमारियाँ। उसके बाद है फंगी, स्किन डिजीजेस, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फंगी से क्या क्या होते हैं, स्किन डिजीजेस, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले हैं मलेरिया, काला अलजार, एमोबिक डिसेंट्रीज एंड द गारडाइसिस। ठीक है, बारिश से होने वाले रोग हैं पोली मैथलेटिस, चिकन पॉक्स, ल्यूकेमिया, एड्स, मिल्स, कंजक्टिवाइटिस, रेबीज, डेंगू, हेपेटाइटिस। ये सारे के सारे रोग वायरस से होने वाले हैं। ठीक है, आप अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बैक्टीरिया का किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर है, फंगस का यानी रूटेन जो एप्पल है उसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, वायरस यानी HIV एड्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, आप यहाँ पे सारे के सारे फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द कॉल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द सिंपली पैथोजेंस। ठीक है, जो यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम लोग में बीमारियां उत्पन्न होती है उसे हम लोग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह देते हैं और अदर सिंपली पैथोगन्स बोल देते हैं। पैथोगन्स डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी बाय द अटैकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो क्या करता है, पैथोगन्स जो है हम लोग के बॉडी के अंदर डिसरप्ट कर देता है। ठीक है, डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जो कि हम लोग का जो नॉर्मल बॉडी जो है फंक्शन करता है उसको अटैक यानी अलग अलग पार्ट में वो अटैक करके हम लोग के बॉडी पार्ट को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इंटर आवर बॉडी थ्रू फूड, वाटर एंड एयर। वो हम लोग के अंदर किस तरीके से वो इंटर करता है, फर्स्ट या तो फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू अंडर कर जाता है, इंटर कर जाता है हम लोग के बॉडी के अंदर। ठीक है, कट इन द स्किन और द थ्रू द डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट। या तो वो हम लोग का स्किन कहीं पे कट जाता है उसके थ्रू वो इंटर करता है, या तो फिर कहीं डायरेक्ट हम लोग को किसी के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो वो हो जाता है। कैरियर सच एज द मॉस्क्वाइटो एंड द फ्लाइज। और हम लोग का यहाँ पे कैरियर जो है यानी वाहक, यानी कि जो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उसके ऊपर कोई मॉस्क्वाइटो गया और वो काटा उसको, उसके बाद फिर एक हेल्दी पर्सन को आके काट लेता है, तो यहाँ पे उसको जो मतलब बीमारियां उत्पन्न होगी, तो यहाँ पे जो कैरियर कहलाएगा वो कैरियर कहलाएगा मॉस्क्वाइटो एंड द फ्लाइज कहलाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि ये जो बीमारियां आ तो कांटेक्ट में हो सकती है, नॉन कांटेक्ट में भी हो सकती है और फिजिकल कांटेक्ट में भी हो सकती है। ठीक है, एंड द नॉलेज ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दियर लाइफ साइकिल एंड द मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन इज द हेल्पफुल इन द इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ ए डिजीजेस। अब हम लोग को यहाँ पे क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को हम लोग के लाइफ साइकिल को मोड्स को ट्रांसमिशन द हेल्पफुल इफेक्टिव द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे और किस किस तरीके के यहाँ पे बीमारियाँ हम लोग के सामने आती है,
तो इससे पहले हम लोग देखेंगे डू यू नो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज द पार्टिकुलर डिजीजेज इज द कॉल्ड कॉजेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द डिजीजेज। यानी एक कोई खास बीमारियाँ उत्पन्न कर देती है तो उसे हम लोग कॉजेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द डिजीज दैट डिजीजेज कहते हैं। ठीक है, डिजीजेज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द वायरसेस। यहाँ से फिर हम लोग का स्टार्ट होती है कि जो डिजीजे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द वायरस के थ्रू क्या क्या बीमारियाँ उत्पन्न होती है वो हम लोग देखते हैं। द डिजीजेज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया फंगाई वायरसेस एंड द प्रोटोजोआ आर द कम्युनिकेबल और द इन्फेक्शियस डिजीजेज। कम्युनिकेबल का मतलब होता है संचार वाले बीमारियाँ। संचार का मतलब ये होता है कि कहने का मतलब है कम्युनिकेबल, एक जगह से दूसरे जगह पर वो संचारित हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग आगे पेज में देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो उससे पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं, डू यू नो देख लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है, पहले देख लेते हैं। डिजीजेस विच डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर द कॉल नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। डायबिटीज, ब्रोंटिस, कॉन्ट्रैक्ट ETC आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है वो असंचार, यानी वो अगर आप कॉन्टैक्ट में भी आते हैं चाहे इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यानी डिजीजेज विच कैन गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर द कॉल्ड कम्युनिकेबल और द इन्फेक्शियस डिजीजेज। यानी वैसा डिजीज जो क्या होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में वो चला जाता है, वो क्या कहलाता है कम्युनिकेबल डिजीजे और इन्फेक्शियस डिजीजेज। ट्यूबरक्लोसिस इसका एग्जाम्पल है, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया, डिसेंट्री एंड सम ऑफ द कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीजेज आर द ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेनमेंट, फूड, वाटर, एयर, इंसेक्ट, इन्फेक्टेड क्लॉथ, यूटेंसिल्स, ETC। यानी कि हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेज का शिकार तब हो जाते हैं जब हम लोग कंटेनमेंट फूड यानी खराब फूड खा लेते हैं, वाटर जो है एयर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू या इन्फेक्टेड क्लॉथेज के थ्रू या यूटेंसिल्स के थ्रू, कभी कभी हम लोग का फिजिकल कॉन्टैक्ट भी किसी के साथ हो जाता है और वो क्या होता है कि अगर वो इन्फेक्शंस वाले कोई था तो फिर भी हमें क्या हो जाता है वो बीमारियाँ जो था उसको फिजिकल कॉन्टैक्ट के साथ हमें भी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द कम्युनिकेशन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और ये बारी बारी से आगे बता रखा भी होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू ए पर्सन एनिमल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, हम लोग के अंदर जो होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस या तो वो दो तरीके से, या तो कभी डायरेक्टली होगा और इनडायरेक्टली होगा। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर द डिस्क्राइब्ड बिलो। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो क्या क्या है यहाँ पे मोड है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट ट्रांसमिशन का, किस तरीके से डायरेक्ट में हम लोग को यहाँ पे बीमारियाँ आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है द इन्फेक्शन मे बी कॉज्ड बाय द डायरेक्ट स्किन टू स्किन, ठीक है, मस्को एंड टू मस्को एंड द मस्को टू स्किन कॉन्टैक्ट। ठीक है, डैट मीन्स कहने का मतलब है कि हम लोग को जो बीमारियां हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तब आती है जब हम किसी का स्किन से स्किन में मतलब हो जाता है, या फिर मुस्को टू मुस्को हो जाता है, मुस्को टू स्किन हो जाता है, ये सारे के सारे चीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है लिप्रोसी, एक्जिमा, कंजक्टिवाइटिस, यानी कि आई इन्फेक्शन जो होता है एंड द ट्रांसमिटेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस जो बीमारियाँ हैं थोड़ा सा आँख में भी आँख वाली बीमारियाँ हैं और बहुत ही घातक बीमारियाँ होती है। ठीक है, बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस एन ए इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग द कफिंग, स्नीजिंग, स्पीटिंग एंड द स्पीकिंग में रिलीज ड्रॉपलेट ऑफ द मॉइस्चर कैरिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो एक इन्फेक्टेड पर्सन है, वो उसके दौरान या तो वो खांसता है, छींकता है या फिर बोलता है, स्पीटिंग करता है, इसके थ्रू वो क्या होता है उसके साथ से कुछ ड्रॉपलेट और द मॉइस्चर उसके बॉडी से यानी उसके माउथ से क्या होता है बाहर निकलता है और वो इन्फेक्टेड होता है और उससे क्या बहुत सारे डिजीजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलती है और वो दीज ड्रॉपलेट विन इंटर अनदर पर्सन्स बॉडी वाइल ब्रीदिंग मे मेक हिम सिक। और वो क्या होता है वहीं पे जो जिस व्यक्ति से बात कर रहा था तो उसके अंदर वो फिर क्या होता है वो ड्रॉपलेट्स या फिर वो मॉइस्चर इंटर कर जाता है और फिर वो उसे बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है और वो फिर बीमार हो जाता है। डिजीजेज लाइक द होफिंग, कफ, ट्यूबरक्लोसिस, ETC आर द ट्रांसमिटेड इन दिस वे। यानी कि इस तरीके की बीमारियां जो होपिंग है, कफ है या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, इस तरीके की बीमारियां इस मेथड से भी क्या होती है ट्रांसमिटेड हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, यानी वन पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है बाई यूजिंग एन इन्फेक्टेड नीडल सिरिंज। और हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि अगर कभी हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्या करता है वो पहले वाले ही सिरिंज से हम लोग को इंजेक्शन लगा देता है, जो कि मेन कारण होता है कि हम लोग भी बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इन्फेक्शन में अल्सो गेट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड थ्रू ए वाइट और द ब्लड
फ्यूजन्स, दैट मीन्स ये इन्फेक्शन डायरेक्टली रूप में ट्रांसमिटेड हो सकता है, या तो हम लोग किसी को काट लेते हैं दांत वगैरह, ठीक है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू भी क्या होता है, बीमारी उत्पन्न होती है। जैसे रेबीज वायरस इंटर्स द मैंस बॉडी वाई ए डॉग बाइट। रेबीज जो होता है वायरस हम लोग के बॉडी के अंदर तब जाता है जब हम लोग को कोई डॉग यानी कुत्ता काट लेता है। एड्स वायरस में भी इंटर द बॉडी ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द ब्लड डोनर इन द इन्फेक्टेड पर्सन। एड्स हम लोग का स्थिति होता है जो कि हम लोग जो देखते हैं एड्स वायरस जो होता है हम लोग बॉडी के अंदर क्या होता है जब हम लोग किसी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं या फिर ब्लड डोनर जो होता है इन्फेक्टेड होता है उस तरीके से हम लोग को एड्स वगैरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है, और हम लोग को इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से ही ज़्यादा बचना होता है। दी डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑल्सो इंटर द बॉडी ऑफ ए पर्सन इनडायरेक्टली। वेरियस मोड्स ऑफ द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशंस आर, ठीक है, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड द वाटर। ठीक है, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर पता भी नहीं चलता है कि फूड का टेस्ट क्या है, नहीं है, हम लोग खाते चले जाते हैं। वाटर भी वगैरह मतलब दो तीन दिन का पानी है और मतलब पी लेते हैं, वो क्या होता है इनडायरेक्ट है, थ्रू एनी कैरियर सच एज द मॉस्क्वाइटो, हॉर्सफ्लाई, रैट, फ्लिया, ETC। ये क्या है, कैरियर्स जो होता है ये क्या होता है, कहीं भी इन्फेक्टेड चीज़ें से आकर के हम लोग के चीज़ें पे आकर बैठ जाते हैं। मॉस्क्वाइटो है, हॉर्सफ्लाई है, या फिर रैट वगैरह जो कि हम लोग के घर में अगर कुछ रखा हुआ वो खा जाता है, फिर उसको हम वहाँ से काट के खा जाते हैं। दैट मीन्स ये भी क्या होता है कि एक यहाँ पे सारे चीज़ें जो कैरियर है जो कि बीमारियाँ का जड़ है। इसके बाद है थ्रू क्लॉथेस, टॉवेल्स, हैंडकरचीफ एंड द पर्सन यूटेंसिल्स ऑफ द पेशेंट्स। और हमें ये ध्यान रखना होता है कि किसी भी पेशेंट्स का हम लोग को क्लॉथ या टॉवेल, हैंडकरचीफ या फिर पर्सन जो वहाँ पे यूटेंसिल्स उसका है हम लोग का यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है थ्रू द डर्टी हैंड्स और डर्टी यूटेंसिल्स अनवाश्ड एंड द फ्रूट वेजिटेबल। और हम लोग डर्टी हैंड और डर्टी यूटेंसिल्स या फिर अनवाश्ड फ्रूट वगैरह को खा लेते हैं, इससे भी क्या होता है हम लोग की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है। स्प्रेड डिजीज बाई द इंसेक्ट्स। अब हम लोग देखेंगे कि इंसेक्ट्स के थ्रू किस तरीके से बीमारियाँ फैलती है। डिजीजेज आर द कॉज बाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड द प्रोटोजोआ। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर आवर बॉडीज आइदर थ्रू एयर, वाटर और द फूड। यानी जो बीमारी हम लोग के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, या तो वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, वायरस के थ्रू होती है, फंगस के थ्रू होती है, या फिर प्रोटोजोआ के थ्रू होती है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर आवर बॉडी आइदर, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग बॉडी के अंदर या तो एयर के थ्रू, या तो वाटर के थ्रू, या फूड के थ्रू क्या करता है, इंटर कर जाता है। इंसेक्ट्स लाइक द फ्लाइज, मॉस्क्वाइटो एंड द कॉकरोच ऑल्सो स्प्रेड द डिजीज बाई द कैरिंग द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द देयर फीट एंड द हेयर। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि वो जो इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, कीट है जो कि मक्खी है, और फिर मस्क्वाइटो एंड द कॉकरोच है, वो क्या करता है, वो भी बीमारियों को फैला सकता है बाई द कैरिंग। कैरिंग मीन्स हार्मफुल, यानी ढोकर के लाना, कैरी, ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फीट में, ठीक है, अपने और हेयर पे जो वो लेकर जाता है वो कैरियर ही कहला जाएगा, कि वो उस तरीके से भी क्या करते हैं, इंसेक्ट वगैरह भी बीमारियों को फैलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फिर आगे इसमें डिटेल से बात करेंगे। ओके, थैंक यू।